हेलो दोस्तों, तो फाइनली सुपरस्टार बॉबी देओल एक बार फिर से फिल्मों में अपना दमदार कमबैक कर चुके हैं और इस साल वो कई बड़ी एक्शन फिल्मों में नजर आने वाले हैं। और खबर निकल के आ रही है कि बॉबी देओल की सन 1997 में बनी गुप्त द हिडन ट्रूथ का सीक्वल बनाया जा रहा है और मेकर्स ने दूसरी फिल्म को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द फिल्म का शूट भी शुरू होने वाला है। वही बात करें गुप्त फिल्म की, तो ये एक जबरदस्त एक्शन क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री थी जिसमें एक्शन के साथ साथ जबरदस्त सस्पेंस भी देखने को मिला था। फिल्म में हमें बॉबी देओल के साथ काजोल देवगन और मनीषा कोइराला भी देखने को मिली थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कमाई करी थी, जिसको डायरेक्ट किया था राजीव राय जी ने। और अब एक बार फिर वह इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं और अभी उन्होंने हाल ही इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है और अब बहुत ही जल्द आप सभी को फिल्म का सीक्वल भी देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस बार फिल्म में पहले से भी जबरदस्त स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो अभी तक फिल्म के मेकर्स ने कास्टिंग को लेकर कोई खास अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन खबर है कि बॉबी देओल और काजोल देवगन हमें गुप्त 2 में देखने को मिल सकते हैं। बात करें फिल्म की रिलीज की, तो अभी फिल्म सिर्फ स्क्रिप्टिंग स्टेज में है और फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कि गुप्त 2 हमें 2025 तक देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर बॉबी देओल और काजोल को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।